वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब एक्साइटमेंट लेवल हमारे सेट पर आप बिल्कुल फील नहीं कर सकते जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे इर्द गिर्द और मेरे कान में प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं नीचे पीसीआर में, इधर टीम बैठी हुई है, कुछ फेसबुक लाइव कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको इतनी एक्साइटमेंट। डॉक्टर साहब आप मेरी ट्रेवलिंग तक पे थे और इस कॉफी के जरिए बताए थे कि मैं ट्रेवल भी करने वाली हूँ, इसके अलावा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी ट्रेवलिंग जो है वो मैंने बताया, रिक्रिएशन तो होगी, लर्निंग के लिए भी है, ठीक है। और मूड स्विंग्स की मैं बात आपको कर रहा था, वो बचपन से लेके अब तक है। और आप जो हैं वो ओवर थिंकिंग करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को खुद ही सोच के खुद ही उसका नतीजा आप निकाल लेती हैं, मतलब वो अजीब अपनी कहानी बना के दिमाग में बैठ, खुद ही नतीजा निकाल लेती हैं और उस नतीजे के ऊपर आप दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा इसको ये हो सकती है, यानी ये अनकंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है, ये ओवरथिंकिंग और रिजल्ट ओरिएंटेशन और फिर रिएक्शन, हाँ, एक्शन इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल और मूड स्विंग्स के लिए, मूड स्विंग्स के लिए जो है मूड स्विंग्स जो है ना वो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। डिप्रेशन मुसलमानों की बीमारी नहीं है, तो दरूद शरीफ जो है वो बेस्ट रेमेडी है इसकी, जिसकी जितनी कसरत हो सकती है वो करें दरूद शरीफ की। अच्छा ट्रैवलिंग जो है ना आपकी वो ऑलमोस्ट ये चलती रहेगी, अब एक कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस जो है ना उसके तौर पे शॉर्ट ट्रेवल्स जो हैं वो चलते रहेंगे। फिर जो है ना हेल्थ आपकी, उसको थोड़ा सा आपने चेक रखना है, क्योंकि हेल्थ की तरफ से 2019 नवंबर में कोई इश्यूज जो हैं वो हैं, तो वो आप कोशिश करेंगे नज़ले ज़ुकाम तक महदूद रहें, वो कवर हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो उससे आगे जो है उसको ना जाने दें, हेल्थ को जो है ना अपना प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर अपना जो डाइट है, स्लीप है, उसको देखें, क्योंकि प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइट और इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है, तो उसको जो है वो आप वॉच करें। अच्छा अब कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, आपकी पर्सनल चीजें हैं? हाँ जरूर, वो मैं ऑफ एयर ही पूछूंगी। बिल्कुल, शादी की डेट तो डॉक्टर साहब ने ऑन एयर अनाउंस कर दी कि साल शादी का साल है, वो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या होगा। अच्छा जनाब ये डिस्कशन तो हमारी जारी है, जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया सॉरी हम जरा बहुत ही डिटेल डिस्कशन में पड़ गए। अच्छा गुड मेटाबॉलिज्म और इसके अलावा भी कुछ डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स, आप हमारा पानी का इंटेक इतना ज्यादा नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट पे क्या चीज़ें, पानी का तो डेफिनेट ऑल्टरनेट नहीं है लेकिन स्टिल हम क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपने डाइट? वाटरी वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं, देखिए वो हमेशा हम लोग कहते हैं कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड और मैक्सिमम मिनिमम आप 8-12 ग्लासेस ऑफ वाटर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि आप देखें कि रोज़मर्रा ये काम भी करने हैं, आपने ऑफिस भी देखना है और अक्सर जो प्रोफेशनल फीमेल्स हैं उन्होंने घर के काम भी करने हैं और उन्होंने बाहर को भी देखना है, पर ये सब तमाम चीज़ें तब मैनेज होती हैं जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, क्योंकि आपकी उसी आपके पीएच लेवल ने आपको पूरा दिन चलाना होता है, आपको एक्टिव रखना होता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ककंबर होता है, इट्स रिच इन वाटर मतलब हाइड्रेटेड होता है, वाटर होता है उसमें लॉट ऑफ, उसके अलावा ककंबर हो गया, आइसबर्ग लेटस, सेलरी लीव्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मतलब फुल ऑफ वाटर और मिनरल्स और इसमें बड़ा अच्छा कॉन्टेंट होता है। उसके साथ ही साथ आजकल हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट हैं जो कि रिच इन फाइबर है, माइक्रो मिनरल्स और साथ ही साथ गुड कंटेंट ऑफ वाटर टू, और ना सिर्फ वो वाटर बल्कि डिटॉक्स वाटर, यू कैन से इट्स अ वेरी मिनरलाइज्ड वाटर और वेरी फ्रुक्टोज, उसमें फ्रूट शुगर जो पाया जाता है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, जहाँ पे फ्रूट प्रोवाइड करता है वहाँ पे फाइबर भी प्रोवाइड करता है जो कोलेस्ट्रॉल रखने के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। पर ऑन द सेफर साइड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जरा थोड़ा सा जो है दे कैन स्ट्रिक्ट द देयर यू कैन से कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर इनटेक, स्पेशली द वाइट शुगर ना मतलब वो रिकमेंड नहीं की जाती। पर नॉर्मली आप ये देखें कि मुंह का बहुत ज़्यादा खुश्क होना या स्मॉल यूरिनेशन या इस तरह की दो तीन चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी अर्ली डायबिटीज़ और अर्ली जो आपको ब्लड प्रेशर है इसके अलामत हैं, यू कैन से एटियोलॉजी है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें इवन के सर्दियों में मौसम सरमा में आपकी स्किन ड्राई है और आपको फील हो रहा है कि मुँह खुश्क है या इस तरह की चीज़ें आपको बर्निंग फील हो रही है, तो इट्स मीन टू से समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। अपनी बॉडी का पीएच जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, मेक योर बॉडी अल्कलाइन विद अ लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मीट, बिकॉज वी आर मीट लवर्स, तो जितना ज़्यादा गोश्त कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा मीट कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ये देखें अर्मिला कि हम लोग हमारी बॉडी एसिडिक होती जाएगी और हम लोगों का पीएच जब नहीं ठीक रहेगा तो वो बॉडी मतलब डिहाइड्रेट भी होगी और डिहाइड्रेशन से ही आपको जो है
इन केस अगर मैं बाहर से खाना कंज्यूम किया, आपको बर्निंग हुई, आपको तबीयत खराब हो गई, इंस्टेंटली लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको पता है कि वो इंस्टेंटली आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, आप सो जाते हैं उससे, पर इट्स नॉट ये कोई फाइनल इसका सोल्यूशन नहीं है. थिंग्स आर लाइक दिस के ईटिंग आउट का कंसेप्ट भी आपने मतलब देख के कंज्यूम करनी है चीज़ें, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स इन योर प्लेट. तो ट्राई टू मेक फूड एट होम, अगर बाहर जाना तो भी खाना घर से लेके जाएं, और साथ ही साथ ये तमाम चीजों के साथ साथ ये ख्याल रखें कि अपनी इम्यूनिटी को साथ साथ स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बीमारियों से बचा जाएगा. अच्छा हमारे साथ कॉलर है हामिद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. हामिद साहब क्या पूछना चाहेंगे जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा ढाई साल से ढाई तीन साल हो गए हैं, सब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अभी तीन साल से इतना लॉस हूँ कि घर शहर बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा. आमिर साहब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम बता दें. 21 दिसंबर 1922. ठीक है. और वालदा का नाम है सरफराज परवीन. सरफराज परवीन, ठीक है. हमें सब अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. डॉक्टर अली जवाब दे देंगे अभी जनाब, और हमारे पास अभी टाइम कम है, लेकिन स्टिल हम एक दो कॉल ले सकते हैं. अगर आप कॉल करना चाहते हैं नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और डॉक्टर साहब अभी हामिद साहब का बता देंगे, तो उसके बाद फिर हम जवीरिया से एक मैसेज लेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे. हामिद साहब जी अभी थोड़ा सा वेट करें, अभी ये जो पोजिशन है ये प्रसिस्ट करेगी, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है ना वो जिस स्टार से है वो स्टार अभी रेट्रोग्रेड है, अभी ये जाएंगे थोड़ा सा पीछे और घबराएं नहीं. इसके बाद जिस वक्त ये रेट्रोग्रेड से स्टार्स वापस आते हैं ये बाउंस बैक करते हैं, एक दोबारा से आगे की तरफ ये फॉरवर्ड जाते हैं. तो इनका टाइम है अभी तकरीबन 8-10 महीने, एक साल जो है वो है, परेशानी का नहीं है. उसके अंदर ये करें कि अल्लाह ताला से जो रابطہ टूटा हुआ है इनका उसको दोबारा से जोड़ें, नमाज़ें अपनी कायम करें और दरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, तहज्जुद के लिए उठें. तो फिर ये भी होता है कि जो तकदीर में लिखा होता है ना वो दुआ से तब्दील भी हो जाता है. बिल्कुल, दुआ तकदीर डेफिनेटली बदल. तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला से दुआ और रابطہ जो है अल्लाह ताला से ये ठीक करें. इनके ऊपर मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स हैं अपने लोगों की वजह से, तो ये है कि बस अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है. एक और कॉलर भी है, तैयबा. अस्सलाम वालेकुम जी. तैयबा क्या पूछना चाहेंगी, जल्दी से बता दें. मेरे हस्बैंड अतीकुर रहमान साउथ अफ्रीका में होते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम कब तक चले जाएंगे. अच्छा आप अपने हवाले से पूछना चाह रही हैं कि आप उनके पास जाना चाह रही हैं. अच्छा तैयबा अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दें. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर. अच्छा सॉरी 30 सितंबर 1887. 1887. ठीक है, अभी आपको पूछ के बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तैयबा, बहुत शुक्रिया. ठीक है डॉक्टर साहब अभी बताएंगे, और जनाब हम अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं और मैं आपसे क्लोजिंग कर लेती हूँ, डॉक्टर साहब जवाब देंगे तो उसके बाद हम आपसे खुदा हाफिज़ कर देंगे. अच्छा जनाब आज का शो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके आने का भी, और जवेरिया ने आपको इतनी ज़बरदस्त टिप्स भी बता दी, डॉक्टर साहब ने भी आज बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही. हमारी फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, आप वहाँ जाएँ फीडबैक दें, हमारी टीम में बच्चियाँ बहुत एक्टिव हैं वहाँ पर, वो प्रॉपरली आपको फौरन रिस्पॉन्ड करती हैं, हमारी टीम भी एक्टिव है. और अगर आप आज का शो रिपीट में देखना चाहते हैं तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा. कल तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन अभी हम जवाब लेकर आपसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं जी डॉक्टर साहब. अगस्त सितंबर में इंशाल्लाह जबरदस्त. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली आपके आने का, जबरदस्त बातें करने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए. बाकी बातों में बात पूछूंगी आपसे. कल तक के लिए इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज़.